कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे थे जी मेथी, आलू, गाजर और शिमला मिर्च की मिक्स सब्ज़ी। तो मैंने सोचा अपनी वैरायटी फेमस की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू और एक पाव मैंने टमाटर लिए, एक पाव मैंने गाजर लिए, दो मैंने शिमला मिर्च यहाँ पर ली है और तकरीबन एक पाव ही मैंने जो यहाँ पर छोटी गिटी जो मिट्टी जो होती है मेथी की वो ली है, और लहसुन और अदरक को मैंने इस तरीके से काट दिया है। पेस्ट मैंने नहीं लिया, इस तरीके से काट के मैंने इस्तेमाल किया, इसका अलग से टेस्ट आता है अच्छा। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया तकरीबन एक चम्मच, एक चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर लिया, एक चम्मच ही मैंने सूखा धनिया लिया, नमक लिया है हसबे ज़रूरत। अच्छा, हल्दी जो है ना अभी मौसम अच्छा है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों में जो हल्दी की मिकदार आप लोग खानों में कम कर दें, लेकिन सर्दी में ना जो है हल्दी की थोड़ी सी मिकदार जो है बढ़ा दिया करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो आप लोग जो है ना हल्दी की मिकदार सर्दियों के में जब खाने बनाएं तो उसमें जो है बढ़ा दें। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी आप लोगों ने देख ली है, यहाँ प्याज में से ऑयल लेकर मैंने इसमें एक मैंने साइज की छोटी सी प्याज जो थी वो काट कर मैंने गोल्डन होने के लिए रख दी है। जैसे ये कुछ फ्राई होगी तो उसमें फिर जो है हमने जो लहसुन और अदरक जो कट करके रखी है वो हम डाल देंगे, और कुछ देर हम जमे चलाने के बाद उसके बाद हम टमाटर डालेंगे और फिर पाउडर मसाले डालेंगे, और उसके बाद हम सब्ज़ियाँ जो है वो आराम से डालते जाएंगे और बनाई करेंगे। और जैसे ही हमारी सब्ज़ियों की बनाई जो कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर हम हल्की आँच में जो है सब्ज़ी को पकने के लिए रहने देंगे। और आप लोग सुनाए जी आप लोग कैसे हैं? और जो है आज जो है ना मैं बाद में जो है वॉइस जो रिकॉर्ड करती हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसी टाइम पे जो मैं रेसिपी बना रही हूँ तो इसी टाइम पे जो है वॉइस भी इसी टाइम रिकॉर्ड करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, और जो है इस टाइम जो है मैं वॉइस ओवर वीडियो के साथ ही करूँ सही है या बाद में करूँ, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग मेरी वैरायटी फ्रेंडली और मुझे जो है अच्छे ही मशवरा देंगे। तो जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड है मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊँ या अलग से जब मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ तो वो, क्योंकि उसमें ना काफ़ी परेशानी होती है और जो है सही से नहीं होती, फिर काफ़ी मेरे सब्सक्राइबरों को शिकायत भी होती है कि आपने जो ज़ वगैरह इस्तेमाल किए हैं वो सही से आप लोगों ने नहीं बताया, तो इस वजह से जो काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, अब जो है ना हमारे प्याज जो है आप लोग देख सकते हैं फ्राई होगी, तो इसमें मैं अब जो है ना लहसुन और अदरक जो मैंने काट के रखी वो मैं डाल, यहाँ पर आप लोग देखे मैंने स्टेम जो है अदरक और लहसुन जो काट के रखे थे वो भी मैंने स्टेम डाल दिए हैं, और थोड़ी देर ही हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर पाउडर मसाले जो है वो शामिल कर देंगे, और फिर जो है उसके बाद हम जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया फिर सारी सब्ज़ियाँ जो है आराम आराम से हम जो है ऐड करते जाएंगे और जो है सब्ज़ियों की बुनाई करते रहेंगे। हल्की आँच आप लोग रखें, बस इस टाइम पर अब जो है इसमें टमाटर जो है वो शामिल करूँगी और पाउडर मसाले वो शामिल करूँगी। इस टाइम पर जो है मेरे टमाटर जो है वो शामिल कर दिए हैं, कुछ देर में टमाटर की बुनाई करें ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो कुछ नरम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर टमाटर बुनाई हो गई है, उसके बाद मैं पाउडर मसाले और मेथी ऐड करूँगी। देख सकते हैं आप लोग मेथी और पाउडर मसाले मेरे इसमें शामिल कर दिए, बहुत ही प्यारा कलर है, आप लोग देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। मौसम सरमा की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना बहुत ही प्यारी प्यारी ग्रीन ग्रीन से फ्रेशी अच्छी होती हैं और हमें इस्तेमाल भी करनी चाहिए, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मौसम सरमा में सब्ज़ियाँ तो हर मौसम सरमा में अच्छी अच्छी आती है, लेकिन इस दफ़ा जो काफ़ी महंगी है सब्ज़ी, हर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आप लोग देखें प्यारा कलर आ गया, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। अच्छा, इस टाइम पर ना हम इसमें जो है आलू और गाजर जो है वो डालेंगे, शिमला मिर्च रहने देंगे, शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं में डालेंगे, शिमला मिर्च एकदम से नरम हो जाती है, उसके बाद जो सारा का पैसा जो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मैंने आलू और गाजर जो है वो भी ऐड कर दिए, और अब मैं जो है हल्की आँच करने के बाद जो है ना ढक्कन ढक दूँगी और जो है आलू और गाजर वगैरह जो है वो अच्छे से जल जाएँ, मतलब कि कुछ गलेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के फिर अच्छे से बनाए करेंगे, फिर आप लोगों से आगे सेव करती हूँ। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मुझे ढक्कन ढक दिया था, तो उसमें जो है ना गाजर और आलू का जो पानी था और उसमें सब्ज़ी जो मेरी कुछ गल चुकी है, और अभी जो है इसमें शिमला मिर्च जो है वो शामिल करूँगी। ये देखिए स्टे मैंने शिमला मिर्च में शामिल कर दी और कुछ देर में इसकी भुनाई करूँगी, और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, ढक्कन को जो है ढक्कर रख देंगे। आप लोग देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, और जिस तरीके से सब्ज़ियों का प्यारा प्यारा सा कलर है उसी तरीके से ये जो है सेहत के लिए भी इतनी मुफीद होती है। तो आप लोग अपने खाने में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते, मेरे अपने बच्चे भी नहीं खाते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो है ना नए तरीके से रेसिपियाँ बना कर दूँ ताकि जो है सब्ज़ी वो खाएँ। इस टाइम पे जो है माँच हल्की करके और ढक्कन को जो है ढक के रख देंगे ताकि जो है हमारी जो है सब्ज़ी और भी अच्छे से जो है गल जाए, और आँच को भी बिल्कुल हल्का कर दूँगी। जी यहाँ पर आप लोग देखें मेरी सब्ज़ी जो है तैयार हो गई, आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और जो सब्ज़ी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ।
देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है, साथ में हमने बनाई थी यहाँ पर जो इसके साथ में पराठे, आप लोग चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत ही जो है मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ख़ासतौर पर अपने माँ बाप का ख्याल करें, आस पास रहने वाले लोगों का ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।